तो जी हमने कहाँ जाना है, हम तो आपके पास ही हैं। तो सिस्टम कुछ ऐसे हैं कि रात को काफ़ी लेट पहुँचे, तो रात का टूर करने के बाद अभी शावर लेके आए हैं, उसी जगह पे हैं जहाँ रात को स्टे किया था। बारिश हुई है रात से, काफ़ी ठंडक हो चुकी है काफ़ी ज़्यादा, लेकिन शावर में भी लेके आया हूँ। तो ये चेक करें, अभी तक दोनों साइड पे भी ऊपर आपको फील हो रही होगी। तो काफ़ी मुश्किल है यहाँ स्टे करना, ख़ासतौर पर सर्दियों पर। रूम्स के तो काफ़ी ज़्यादा किराए हैं, 7-7, 8-8 हज़ार रुपये यहाँ पे बजट है। 2000, 2500, 3000 में एक अच्छा रूम मिल जाता है और काफ़ी अच्छा है, आप इसे चेक कर सकते हैं। कैंपिंग कैंप आपको 1000 रुपये में मिल जाता है। कैंप का ये मसला होता है, जो जू बारिश हुई वो चेक करें, उस साइड पे वो कैंप लगा हुआ है, वो कैंपिंग जो ही कैंपिंग का ये इशू होता है कि आप कैंप में बारिश वारिश हो जाए तो रहना मुश्किल हो जाता है। तो मुश्किल नहीं है हमारे लिए कुछ भी। तो सीन्स कुछ ऐसे हैं, बारिश अभी थोड़ी थम चुकी है, तो कल का दिन हमारा सारा सफ़र में गुजर गया। तो आज हम दिल है सैफर मलूक झील की तरफ जाएं और कागान में जो एरिया है वहाँ का टूर करें, क्योंकि गाड़ी में भी थोड़ा प्रॉब्लम आ गया था और इसके बाद इशू है हमारा आगे बारिश में लैंडस्लाइडिंग का इशू है, तो थोड़ा सा रिस्की काम हो जाता है। तो सीन सभी यही है, तो चलते हैं अभी नाश्ता करना। नाश्ता करने के बाद निकलते हैं हम सैफर मलूक झील की तरफ, आपको वहाँ का सारा डिस्टेंस बताएँगे, रास्ते में जो चीज़ व्यू आपको वहाँ मतलब हर चीज़ आपको कैप्चर करके दिखाएंगे। तो हमारा भी काम करिए, लाइक सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए अपने भाई को। मिलते हैं अगले सीन में। सिस्टम कुछ ऐसे हैं कि इस वक्त सैफर मलूक झील के बाज़ार में हम तकरीबन 10 से 15 किलोमीटर नारान का सफ़र तय करने के बाद जीप के ऊपर तो वो पीछे झील है, नीचे चलते हैं। तो जी रास्ता तो वाकई बहुत ख़तरनाक होता है, कल भी एक गाड़ी कोई गिरी है सोचने में आया, लेकिन यहाँ का आने के मतलब हो जाता है, मुश्किल नहीं है। लेकिन ये झील के बिल्कुल करीब हम आ चुके हैं, ठंडक भी यहाँ काफ़ी ज़्यादा है बट नो इशू। तो यहाँ से आगे जी पानी बहुत ठंडा, गर्म नहीं है, ठंडा है। और इसके बाद हमारे साथ जनाब मोहतरम अमानत अली फ्राम सुहावा। इधर का पानी बहुत ठंडा है, बहुत ठंडा लगा यार। इधर मैं कहता हूं इधर जरूर आओ, चौधरी हमजा फखरे मिसा इधर आओ, और राजा इफ्तिखार खारी इधर बहुत बर्फ पड़ी, फखरे पटवार से ताल्लुक रखने वाले स्पॉन्सर ऑफ मैच कम्युनिटी, और इसके बाद जनाब सलाम अलैकुम जी भाई जान, ये मिर्जा शानी साहब, यहाँ से जाने का दिल ही नहीं कर रहा है, दिल ही नहीं कर रहा नहीं भाई जान, बिल्कुल ठीक है जी, इधर आओ, चिल माहौल है और जाने का बिल्कुल दिल नहीं कर रहा। और ये जनाब मलक फरासत साहब फखरे साहब इधर ही रहे, और फैसल मलूक झील की जो है सैर हो रही है। और इसके बाद आप देख सकते हैं कि ऊपर बादल आपके बिल्कुल करीब आए हुए हैं, लोग यहाँ पे पुरसकून सफ़र लेकर और यहाँ पे आके अपनी रिफ्रेशमेंट कर रहे हैं, और ठंडक के साथ पानी भी बहुत ज़्यादा ठंडा। राजा इफ्तिखार खारी साहब को बाहर आराम ही नहीं लगता, ये सीधे अंदर जाके पानी खड़े कहते हैं फ़ोटो बनाओ मेरा, और मज़े की बात इनका फ़ोटो किसी काम का। भाई जी का स्टेज बह गया तो हम उसको आने तो चले हैं। अच्छा आओ,